साथियों, आप सभी लोगों में एक टर्म बड़ा प्रचलित है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी काम करने का एक तय तरीका। पहले सरकारों का एसओपी समझा जाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। इस धारणा को हमने कैसे बदला है उसका भी ये भवन एक उदाहरण है। और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का शिलान्यास हुआ था और आज 23 जून 2022 लोकार्पण हो रहा है। इस बीच में कोरोना के कारण अनेक अड़चनें भी आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो संकल्प लिया था वो आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी ये नए भारत का नया एसओपी है, जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। यहां दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के लोकार्पण का अवसर मिला है। सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्सपेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। नए भारत की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वाणिज्य भवन को भी हर संबंधित क्षेत्र में देश को गतिशक्ति देनी है।